हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे राजस्थानी गोंद के लड्डू। ये लड्डू टेस्टी होने के साथ साथ इसे सर्दियों में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आइए देखें गोंद के लड्डू बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 कप गेहूं का आटा, 100 ग्राम गोंद, 1 कप पाउडर शुगर, 3/4 कप घी, 10 से 12 बारीक कटे काजू, 10 से 12 बारीक कटे बादाम और थोड़ी सी इलायची पाउडर। सबसे पहले एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। अब हम इसमें गोंद डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। गोंद हमें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है, तो इसे हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो गोंद हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। गोंद हमारा धीरे धीरे फूल रहा है और ये पूरी तरह से फूल जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर गोंद अच्छे से फूल चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। गोंद को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं गोंद बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम उसी पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम 1 कप आटा डालेंगे और इसे ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। आटे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आटा हल्का ब्राउन हो गया है और यहाँ पर हमारा आटा भूनकर रेडी हो गया है, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं गोंद को हाथों से दबाकर क्रश कर लूँगी। इसे हमें बारीक नहीं पीसना है, इसे हमें दरदरा रखना है, इसलिए यहाँ पर मैं हाथों से इसे क्रश कर रही हूँ। आप इसे बेलन से दबाकर भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे गोंद को तोड़ लिया है और ये रेडी हो गया है। अब हम भुने हुए आटे में चीनी, काजू, बादाम, इलायची पाउडर और गोंद को हम मिला देंगे, इससे पहले कि मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाए। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को हमें ठंडा नहीं करना है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी से मिला लेना है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, तो अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। इस तरह से हम इसे हल्के हाथों से दबा दबा कर लड्डू तैयार कर लेंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इस सर्दियों में इस लड्डू को ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने सारे लड्डू को बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।